ਪਾਜੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਆ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਟਾਂਗੇ ਇਹ ਦੇਖ ਟਾਂਗੇ ਡਾਂਸ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲੈਗਸ तो गाइज अपना डिनर आज का बहुत मस्त है रेडी है। ये देखो ये है चिकन अल्फ्रेडो पास्ता, साथ में ये फैंसी से नेम वाले टंगड़ी, क्या नाम था भैया इसका? हॉट एंड स्पाइसी चिकन लेग्स। हॉट एंड स्पाइसी चिकन लेग्स, अंग्रेजी थोड़ी वीक हो गई हमारी, चिकन खाएंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगी। तो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, हॉट एंड स्पाइसी चिकन लेग एंड हैव अ लुक। देखो भाई देखो इसकी शक्ल देखो, क्या बात है क्या बात। तो ज़रा ब्रेक मार के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और जारी है स्वाद का सफ़र। आज मैं हूँ अंबाला में, जी हाँ आज अंबाला में मुझे कुछ काम था तो मैं आप पहुँचा हूँ अंबाला में सेक्टर 7 की मार्केट में। ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये गैलेक्सी मॉल, तो गैलेक्सी मॉल के बिहाइंड ये मार्केट है। मैं अभी आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, बहुत खाने पीने की यहाँ पर आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ रहती है। और यहाँ पर एक मेरा फेवरेट पॉइंट है स्नैक लैब, जी हाँ ये लैब है जहाँ पे स्नैक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और मेरे दो बड़े प्यारे एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, एक के बारे में तो बता देता हूँ, वो है इनका वाइट सॉस चिकन पास्ता, सेकंड वो रखते हैं थोड़ा सा सस्पेंस, वो भाई बताएंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑनर के पास और बात करते हैं भाई से, कुछ चीज़ें जानते हैं और कुछ आपको बताते हैं, चलिए आइए चलते हैं। तो गाइज मेरे साथ है शिवम, और शिवम शिवम मुझे कुछ चीज़ें बताओ बेसिकली, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई सारी सिस्टम? सर बेसिकली इसकी शुरुआत ऐसी हुई कैमरे में मेरे को 2017 में मैंने इसकी ओपनिंग करने का सोचा, तो मैंने अपना करियर मतलब होटल लाइन में 2016 में स्टार्ट करा रेडिसन ब्लू चंडीगढ़ से। ओके तो बस उसके बाद फिर मेरा ड्रीम था अपना कैफे खोलने का, तो उसके बाद फिर इसकी हमने शुरुआत की। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं आईबीएम में जॉब करता था गुड़गांव में। आईबीएम गुड़गांव आईटी का है? हाँ, क्या बात है भाई। तो आईटी वाईटी वाले सब आजकल इस तरफ आ रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट लैब का क्या मतलब है एक्सपेरिमेंट से? बेसिकली ऐसा है कि स्नैक्स तो हम जो सर्व कर रहे हैं, लैब का मतलब ये हम कुछ ना कुछ में नया एक्सपेरिमेंट करना चलता रहता है, कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है इसके बीच में, कुछ आ गया कुछ निकल गया ऐसा भी होता है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो जो आपके दो सबसे पसंदीदा एक्सपेरिमेंट क्या है? एक तो मेरे वाला फेवरेट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सेकंड बताओ आप क्या इन्वेंट किया, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेंट किया? सर बेसिकली हम लोग ना हॉट एंड स्पाइसी चिकन ग्रिल लेग देते हैं। ओके तो उसकी जो मैरिनेशन होती है हमारी अपने पेरी पेरी मसाले के बीच में होती है, तो एक बार वो ट्राई करके देखो, वो भी काफी अच्छा ऑप्शन। कानों से धुएं निकालेगा? नहीं नहीं, ऐसे धुएं नहीं निकालेगा, फिर उसका नाम पेरी पेरी है, ऐसा नहीं कितने धुएं निकालेगा, मतलब हल्का सा स्पाइसी एंड टैंगी की तरह हॉट एंड स्वीट। तो भैया हॉट एंड स्वीट पेरी पेरी मैरिनेटेड लेग बहुत लंबा हो जाएगा, खाते हैं टंगड़ी मिलेगी भैया मिर्ची वाली। हाँ, बिल्कुल सर। तो करें शुरू? बिल्कुल सर। प्राइसिंग बता दो क्या क्या होने वाली है टंगड़ी? सर जो हमारे पास टंगड़ी है वो 100 पीस में 2 पीस है, साथ में हम लोग दो डिप देते हैं, ठीक है। और जो इसके अलावा पेरी पेरी पास्ता नॉन वेज में वो 160 का। पेरी पेरी पास्ता 160 का नहीं चाहिए, मेरा वाइट अल्फ्रेडो पास्ता मेरे वाला 160 का। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं प्रिपरेशन, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये रेसिपी ये बताते नहीं, हम कोशिश करेंगे लेकिन चलिए करते हैं शुरू, आइए भैया। तो भैया इसकी शुरुआत होती है ये मैरिनेटेड मक्खन से, मक्खन को भी मैरिनेट किया हुआ है? हाँ जी सर, गार्लिक में मैरिनेट करा है। तो गार्लिक एंड इसमें क्या क्या रहता है? सर इसकी में अमूल बटर रहता है और साथ में गार्लिक रहता है, गार्लिक पाउडर वगैरह रहता है, बाकी मिक्स हर्ब्स स्पाइसेस वगैरह रहते हैं जी। तो आप देख सकते हैं स्पाइसेस एंड गार्लिक एंड बटर, तो ये आ गया जी सबसे पहले आपका तड़का। तो ये भाई ने डाला इसमें थोड़ा सा मैदा, ये व्हाइट सॉस की तैयारी हो रही है? व्हाइट सॉस की तैयारी हो रही है। क्या बात है, हम व्हाइट सॉस भी फ्रेश ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बना के रख देते हैं जी। तो बटर में सीधा मैदा चला गया और इसको अच्छे से मिक्स करा जा रहा है, हाँ, ताकि लम्स ना बने, बिल्कुल लम्स ना। ये आ गया इसमें मिल्क, एक्चुअल आप देख सकते हैं व्हाइट सॉस भी है जो इमीडिएट तैयार की जाती है। तो ये देखिए अब ये व्हाइट सॉस रेडी हो चुकी है और अब इसमें जाएंगे मसाले। ये इसमें थोड़ा जाएगा स्पाइस मिक्स जी, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स जी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ओके, और थोड़ा सा सॉल्ट आएगा जी। तो बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, कोई ऐसा सीक्रेट मसाला नहीं बनाया अभी आपने? नहीं सर, अभी ऐसा कोई सीक्रेट नहीं बनाया, बेसिकली ये हमारा जो बटर और मैरिनेशन होता है यही सीक्रेट है जी। ये भी इसमें ऐड, तो ये सॉस हो गई है रेडी और अब इसमें ऐड होगा, इसमें चिकन ऐड होगा, चिकन ऐड होगा। तो चलिए आपको चिकन पैटी दिखाते हैं जो चिकन इसमें ऐड होने वाला है। चिकन ब्रेस्ट से हम लोग मिक्स करके बनाते हैं, ओके, चिकन ब्रेस्ट है उसका कीमा करके बीच में स्पाइसेस वगैरह डाल के जी ये बनती है।
तो ये भी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई है सर। ये रेडी है बस जी। और देख सकते हैं आप इसमें काफ़ी अच्छा खासा बॉयल आ चुका हुआ है। एंड नाउ वी आर गोना ऐड, इसमें थोड़ा सा वेजीज ऐड करेंगे जी। वेजीज ऐड हो गई है। वेजीज में बता दूं आपको कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न ऑप्शनल रहती हैं, आपको ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डलवा सकते हैं, मैंने डलवा ली है। तो इसमें कैप्सिकम एंड कॉर्न्स आ गए। तो अब इसके बाद इसमें आ रहा है पास्ता। ये देखिए भैया कैसे टॉस कर रहे हैं इसे, वाओ। एंड द फाइनल पार्ट जो अभी इसमें अब होगा ऐड, एंड दैट इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज। क्या बात है भैया, ये लो जी, लज़ानिया से थोड़ा ही पीछे रह गए है ना सर। आप खा के बताना आपको कैसा लगा ये। हाँ वो तो खा के पता चलेगा। तो गाइस ये देखिए, ये हमारा लगभग लगभग रेडी हो चुका हुआ है। और ये बीच में आप देख सकते हैं तारे जो चीज़ है मोज़रेला, वो तार छोड़ रहा है। एंड इट लुक सो गुड। और रेडी है जी? बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको बाउल में, यानी खाने की ट्रे पे। तो गाइस बेसिकली ये मैरिनेटेड चंगड़ी है, लेग है, जो कि पेरी पेरी मसाले में मैरिनेट की गई है। और उसको अब टॉस किया जा रहा है बटर में, दैट्स इट। और इसके साथ दो डिप मिलेंगे। तो गाइज अपना डिनर आज का बहुत मस्त है, रेडी है। ये देखो, ये है चिकन अल्फ्रेडो पास्ता, साथ में ये फैंसी से नेम वाले टंगड़ी। क्या नाम था भैया इसका? हॉट एंड स्पाइसी चिकन लेग्स। हॉट एंड स्पाइसी चिकन लेग्स। अंग्रेजी थोड़ी वीक हो गई हमारी, चिकन खाएंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगी। तो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, हॉट एंड स्पाइसी चिकन लेग। एंड हैव अ लुक, देखो भाई, देखो इसकी शक्ल, देखो क्या बात है, क्या बात है। एक बात बताऊं, यहाँ पे दो थी, एक बड़े वाली एक छोटे वाली, बड़े वाली मैंने ले ली, छोटी वाली साहिल को दे दी। तो लेट अस स्टार्ट। और देखने में बहुत बढ़िया है जी। एंड मतलब कैसे बयान करूं, ठीक है, क्या मज़ा आ रहा है यार। हल्का सा पेरी पेरी वो मुंह में जाके उसने सुलगानी शुरू कर दी है मुंह की। एंड साथ में स्पाइसेस हैं और मक्खन है, नींबू है, एंड जूसी सा चिकन। एंड यू कैन फील ऑल दोज टेक्सचर एक साथ आपके मुंह में फील होते हैं। वाकई यार ये वाकई बहुत ही बढ़िया है, इट्स अमेजिंग। सैलेड है साथ में, खीरा है, मेयोनीज है, एंड साथ में हरी चटनी है। और अब आते हैं जो मेरा हीरो है इस वीडियो का मेन, वो है हमारा पास्ता। इसके चक्कर में इसको हमने ठंडा कर लिया, बट नो वरी, उसका एक फ़ायदा है ना, ये देखो वाइट सॉस आपको पूरे तरीके से दिखेगी, ये देखिए। एंड आई विल स्टार्ट विद गो विद दिस चिकन पीस एंड पास्ता पीस। एक बात बताऊं, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मैंने गलत कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और दोनों एक्सट्रीम है। बहुत लाइट स्पाइसेस, बट येट एक क्रीमी सा, रिच सा टेस्ट आपको मिलने का। टेक्सचर बहुत ही अच्छा है इसका। और जो स्पेशली ये जो चिकन की इन्होंने कीमा है, उसका जो चिकन डाला है, एंड इट इज सो यम। 160 का ये, 100 की 2 लैक्स ये। लेट मी फिनिश दिस, उसके बाद बात करते हैं। तो भाई आज की शाम फुल पैसा वसूल रही। मतलब जो पहले हमने टंगड़ी खाई ना, वो नॉर्थ पोल थी, और जो बाद में खाया हमने चिकन अल्फ्रेडो पास्ता वाइट सॉस, एंड दैट वाज साउथ पोल, और दोनों एक्सट्रीम थे। मतलब मैं कभी कभी होता है ऐसा, जब आपको ऐसी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर मोइतोज, और मज़ा आ गया। लगभग 450 रुपये का बिल बना हमारा, और वो बिल दो बंदों के लिए वर्थीफाई कर गया। मतलब इट्स सो ऑसम। और मेरी आपसे इल्तजा है, विनती है, रिक्वेस्ट है, जब भी अम्बाला आइए एक बार स्नैक लैब पे इनकी चंगड़ी ज़रूर खा के जाइए। और अगर मेरी तरह
वर्सेटाइल फूड खाने के शौकीन है तो साथ में वही कॉम्बो हमारे वाला टंगड़ी भी और साथ में चिकन अल्फ्रेडो पास्ता भी, ट्राई जरूर कीजिएगा एंड आई एम डेफिनेटली श्योर योर गाइस गोना लव इट। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्यार जरूर दीजिएगा लाइक के रूप में, शेयर के रूप में और आशीर्वाद दीजिएगा फॉलो के रूप में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय।